उत्तर प्रदेश में इस बार होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नए सिरे से आरक्षण तय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साल 2015 के पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरकार ने यूपी पंचायती राज नियमावली 1994 में संशोधन कर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए पूर्व में हुए आरक्षण के प्रावधान को शून्य कर दिया था। मंगलवार को हुए कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत 1995 से अब तक के 5 चुनाव में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रही हैं और ओबीसी के लिए आरक्षण से वंचित रह गई, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा। कैबिनेट से मंजूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के आरक्षण के संबंध में नियमों में परिवर्तन करके नए सिरे से लागू करने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत अब तक सभी 75 जिलों में एक साथ पंचायत के वार्डों के आरक्षण की नीति लागू होगी। इस प्रक्रिया के तहत 1995 से अब तक के 5 चुनावों में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रही हैं और ओबीसी के आरक्षण होगा और ओबीसी से बच गई थी, वहां अब ओबीसी का आरक्षण एकदम होगा। इसके अतिरिक्त जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं वो अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद जो पंचायतें बचेंगी वो आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए होंगी। गौरतलब है कि अब तक 18,000 ग्राम पंचायतें आरक्षण से वंचित थीं। इसके अलावा 100 क्षेत्र पंचायतें दर्जन जिला पंचायतों में भी आरक्षण लागू नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।